हेलो दोस्तों, मैं हूं ईश्वर आहिर और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल ईश्वर आहिर पर। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि हमें एडसेंस अप्रूवल के लिए रिक्वायर्ड पेजेस होते हैं वो कैसे बनाने हैं और आपको वो कहां से डाउनलोड करने हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि हमें एडसेंस अप्रूवल के लिए थीम कौन सा रखना है और उसको कैसे कस्टमाइज करना है। तो फ्रेंड्स, आपको भी अगर अपना थीम कस्टमाइज करना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं अभी आ चुका हूं अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में। फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं मैंने जो ब्लॉग बनाया था वो भी वैसे के वैसा ही है और उसमें जो डिफॉल्ट थीम आती है वही अभी तक इसमें है। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा दिखाऊंगा कि इसमें मैं कौन सी थीम यूज़ करने वाला हूँ और उस पर एडजस्ट का अप्रूवल भी आपको लेकर दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, आपको थीम डाउनलोड करनी है, पहले अपनी जो पुरानी थीम है उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है ताकि अगर आपकी न्यू थीम में कोई एरर आ जाए तो आप उसको बैकअप में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, और आपको नई थीम अगर आपको डालनी है तो उसकी लिंक मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर ले और उसको आप ध्यान से देखें कि आपको उसको वहाँ पर कैसे इंस्टॉल करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पुरानी थीम का पूरा HTML हटा देना है, उसके बाद आपको थीम डाउनलोड करनी है और उसको एक्सट्रैक्ट करके आपको ओपन विथ नोटपैड कर लेना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप नोटपैड में इस थीम को पूरा ओपन करेंगे तो आपकी थीम यहाँ पर पूरी की पूरी ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको पूरा HTML यहाँ से कॉपी कर लेना है और वापस ब्लॉगर में चले जाना है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पर उस जो पुरानी थीम है उसके HTML कोड को हटाकर यहाँ पर न्यू थीम के HTML कोड को पेस्ट कर देना है तो आपकी थीम यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप ऐसे ही दूसरी जो थीम्स होती है वो अगर एरर वाली होती है तो आप ऐसे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप ध्यान रखें कि इसमें आपका कॉपी कोड करे तो उसमें कोई एरर ना हो। यहाँ पर हमारी थीम फ्रेंड्स सेव हो चुकी है और उसके बाद मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ तो यहाँ पर ओके जैसे ही देगा तो यहाँ हमारी थीम इंस्टॉल हुई है या नहीं ये वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। फ्रेंड्स, तो हमारी जो थीम है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। फ्रेंड्स, मैं आपको कहूँगा कि आप यही थीम यूज करें क्योंकि ये थीम एकदम एडसेंस फ्रेंडली है और ये मोबाइल फ्रेंडली भी है और इसमें ना ही फूटर है और ना ही इसमें बहुत सारे कोई इतना लेआउट है कि एडसेंस इसको रिजेक्ट कर सके। इस पर सबसे इजीली एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। फ्रेंड्स, इस थीम को आपको एडिट करने के लिए सबसे पहले तो लेआउट में चले जाना है और यहाँ पर आपको फेविकॉल डालना ही डालना है तभी ही आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। फेविकॉल जनरेट करने के लिए आपको फेविकॉल जनरेटर वेबसाइट में चले जाना है और आपका जो लोगो है उसको आपको फेविकॉल जनरेट कर देना है। तो मैं यहाँ से फेविकॉल जनरेटर .org वेबसाइट है उस पर चला जाता हूँ और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जैसे ही आप जाएंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपना फोटो डालना है और यहाँ पर जनरेट ओनली यहाँ पर जो लिखा है फेविकॉन उस पर आपको क्लिक करना है और अपना जो लोगो है आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। तो आपका जो लोगो है उसको ये वेबसाइट फेविकॉन में क्रिएट कर देगी। तो यहाँ पर उसके बाद आपको क्रिएट फेविकॉन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फेविकॉन है वो बन जाएगा, उसको आप ब्लॉगर में लगा सकते हैं। और फेविकॉन क्यों जरूरी है वो भी आप जान लीजिए क्योंकि अगर फेविकॉन नहीं होगा तो आपकी जो साइट है उसमें ब्लॉगर ब्लॉगर का जो डिफॉल्ट आता है भी वही दिखाई देगा और आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको फेविकॉन लगाना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपना गलत लोगो लगा दिया है, मैं फिर से अपना सही वाला लोगो यहाँ पर लगा देता हूँ। उसके बाद मैं क्रिएट अ फेविकॉन पर क्लिक करूंगा तो मेरा जो फेविकॉन है वो यहाँ पर मुझको मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका फेविकॉन रेडी हो जाता है तो आपको यहाँ पर डाउनलोड कर देना है और उसके बाद आपको अपने ब्लॉगर में लगा देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ मैं नीचे जाऊँगा तो यहाँ पर मेरा फेविकॉन मुझको दिखाई देगा और डाउनलोड द जनरेटेड फेविकॉन लिखा है तो मैं यहाँ से अपना जो फेविकॉन है उसको यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फेविकॉन जो है जनरेट हो चुका है और वो डाउनलोड भी हो चुका है। अब आपको वापस ब्लॉगर में जाना है और फेविकॉन में एडिट पर क्लिक करना है। मैंने यहाँ से पहले से ही करके रखा है। उसके बाद आपको चूज फाइल कर देना है और आपने जो अभी डाउनलोड किया है उस लोगो को यहाँ पर लगा देना है। तो मेरा यहाँ पर जो डाउनलोड किया हुआ लोगो है वो यहाँ पर मुझको मिल जाएगा। तो एज अ फेविकॉन उसका नेम होगा तो आपको एक बार देख लेना है कि आपने कहाँ रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फेविकॉन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पर आपका फेविकॉन यहाँ हो जाएगा। उसके बाद आपको एक बार रीलोड का बोलेगा ताकि आपकी जो साइट है उसके यहाँ पर आपको अपना जो फेविकॉन है वो देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर फेविकॉन है वो अपलोड हो चुका है और अभी हम देखते हैं यहाँ पर फेविकॉन दिखता है या नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फेविकॉन शो होने लग गया है। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स उसके बाद आता है यहाँ पर हमें लोगो लगाना आता है और ये सारी सेटिंग्स करनी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको अपनी वेबसाइट के लिए लोगो लगा देना है। तो यहाँ से जो डिफॉल्ट लोगो थीम का उसको रिमूव करके चूज फाइल में जाना है और अपना जो न्यू लोगो है वो आपको अपनी साइट का डाल देना है। तो मैंने अपना पहले से ही लोगो बनाकर रखा है तो मैं उसको यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने सारे इमेजेस पहले से ही बनाकर रखे हैं, उसका नाम भी मैंने जो डालना है वो अपनी साइट का नाम डाल दिया है। तो फ्रेंड्स ताकि उसका भी एसईओ हो जाए। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जैसे ही लोगो अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसको आपको नहीं छेड़ना है, हमारा लोगो अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको मोबाइल लोगो सेटिंग्स में चले जाना है, यहाँ पर भी एक डिफॉल्ट लोगो होगा उसको भी आपको डिलीट कर देना है। और यहाँ पर टाइटल में आपको अपनी साइट का नेम डाल देना है ताकि आपका लोगो का जो टाइटल है वो भी एसईओ वाला हो जाए। तो यहाँ पर आपको कैप्शन में अपना जो साइट है वो डाल देना है। तो मैं यहाँ से ईश्वर आहिर डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स माई टाइटल दिखा रहा है, वहाँ पर आपको अपने जो लोगो है वो अपलोड कर देना है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से अपना जो लोगो है वो यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। मोबाइल लोगो में भी फ्रेंड्स आप दोनों लोगो सेम रख सकते हैं, ये दोनों लोगोस आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर लिंक में आपको अपनी जो साइट है उसका यूआरएल दे देना है ताकि आपके अगर लोगो पे कोई क्लिक करता है तो वो डायरेक्ट आपकी साइट पे चला जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं अपना जो साइट है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपना जो साइट का यूआरएल है वो कॉपी कर लिया है। उसके बाद मैं वापस ब्लॉगर में चला जाऊंगा, पर यहाँ पर मैंने अभी जो ओपन किया था वहीं पर जाकर मैं अपना जो टाइटल है उसमें अपनी ये लिंक डाल दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं सेव कर दूंगा तो हमारा जो लोगो है वो सेव हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारे दोनों लोगोस अभी सेव हो चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो HTML एड्स है उसको यहाँ पर एडिट करके यहाँ पर आप इसको अभी शो करवाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं और नहीं करना है तो भी, और आपको कंटेंट रिमूव कर देना है तो कि आपको जो एड्स दिख रही है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। फ्रेंड्स उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल थोड़ी सी सेटिंग्स करनी है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको जो टॉप नेविगेशन में मेन मेन मेन्यू है वो आपको एडिट करना है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपने सारे पेजेस लगाने हैं और एक होम लगाना है। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए कि वो कैसे लगाते हैं। फ्रेंड्स उसके लिए आपको यहाँ से एक बार साइट में अपनी रिलोड कर लेता हूँ, हमारा लोगो आ चुका है, यहाँ पर जो एड थी वो भी यहाँ से फ्रेंड रिमूव हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी जो ये पेजेस है उनको लगाएंगे। तो उसके लिए आपको अपने पेजेस में चले जाना है और उसको बारी बारी से व्यू करके उसकी लिंक आपको देख लेनी है। तो हमारे ये 4 पेजेस ओपन हो चुके हैं, जैसे ही मैं यहाँ पर व्यू करूँगा तो उसको उसकी लिंक मुझको यहाँ से मिल जाएगी। फ्रेंड्स उसके बाद मैं वापस यहाँ पर अपने जो ये कॉन्फ़िगर था उसमें चला जाऊंगा और यहाँ पर न्यू साइट नेम में जो हमारा पहला पेज है डिस्क्लेमर उसको मैं यहाँ से टाइटल दे दूंगा। तो मैं यहाँ से डिस्क्लेमर दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं उसकी लिंक डाल दूंगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं जैसे ही ऐड लिंक पर क्लिक करूंगा तो हमारी ये पेज एडिट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे डाल दूंगा। आपको पहले होम रखना है, उसके बाद डिस्क्लेमर और उसके बाद अबाउट अस रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अबाउट अस ऑलरेडी है तो मैं उसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ और यहाँ पर जो लिंक है वो रिमूव करके मैं अपनी लिंक डाल देता हूँ। फ्रेंड्स आपको ऐसे ही चारों के चारों पेज यहाँ पर डाल देने हैं ताकि आपकी जो रिक्वायर्ड पेज है वो गूगल को मिल जाए और आपको एडसेंस का अप्रूवल भी जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये मेरा अबाउट अस पेज भी यहाँ पर सेव हो चुका है। आप चाहे तो इसको यहाँ से एडिट भी करके डाल सकते हैं। फ्रेंड्स आपको होम को छेड़ना नहीं है, होम में आपकी जो साइट का मेन यूआरएल है वही होगा तो आपको उसको छेड़ना नहीं है। और फ्रेंड्स अगर आप मोबाइल से यूआरएल कॉपी करें तो आप एक बात का ख्याल रखें कि इसमें HTML ही होना चाहिए, उसके पीछे जो M1 और क्वेश्चन मार्क आता है उसको आपको रिमूव कर देना वरना आपकी जो लिंक है वो ब्रोकन लिंक रहेगी और आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। आप मेन मेनू बनाते वक्त भी इस बात का खास ख्याल रखें कि आपकी जो लिंक है वो ब्रोकन नहीं होनी चाहिए। आप एक बार सारी लिंक्स ओपन करके चेक कर लें, अगर फ़ोन से भी आप लिंक्स डालेंगे तो भी चलेगा। फ्रेंड्स उसके बाद मैंने यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी पेज भी डाल दिया है तो आपको वैसे ही अपने चारों के चारों पेज यहाँ पर डाल देने हैं। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट अस पेज, तो फ्रेंड्स उसकी भी लिंक यहाँ से अब मैं रिमूव कर देता हूँ और जो अपने लिंक है वो कॉन्टैक्ट अस पेज की उसको व्यू करके मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स आपको अपनी सारे पेजेस की लिंक डालने के बाद एक बार सारी लिंक्स चेक कर लेनी है ओपन होती है या नहीं होती है। फ्रेंड्स अगर आप ये लिंक्स यहाँ पर नहीं डालोगे तो आपको एडसेंस का अप्रूवल कभी भी नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स आपको ये रिक्वायर्ड पेज है वो चारों को यहाँ पर बनाने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं एक बार साइट को रिलोड कर लेता हूँ, देखते हैं हमारे चारों पेजेस यहाँ पर आ चुके हैं। फ्रेंड्स ये हमारे पेजेस हो चुके हैं। उसके बाद आता है सोशल टॉप,
फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपने मिनिमम आपको 4 सोशल गैजेट्स के लिंक्स लगाने हैं, तभी ही आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले से ही है सारे लिंक्स डिफॉल्ट दिखा रही है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिर्फ अपनी अपनी जो फेसबुक की लिंक है वो डाल देनी है। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी सारी लिंक्स पहले से ही बनाकर रखी है, आपको वैसे ही बनाकर रखनी है ताकि आप जल्दी से जल्दी कॉपी कर पेस्ट कर सके। तो आप इस थीम को कम से कम 20 मिनट में आप इजीली पूरा का पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं और आपको एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाएगा। अगर आप न्यू है तो भी आपको 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, इतना इजीली आप इस थीम को एडिट कर सकते हैं क्योंकि ये थीम पूरा HTML पर है। फ्रेंड्स उसके बाद आता है ट्विटर का लिंक, तो मैं यहाँ से अपना ट्विटर का लिंक भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स आपको ये सारी लिंक्स ट्विटर की लिंक यहाँ पर पहले ही डाल के रखी है, उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद उसको मैं सिंपली ब्लॉगर में जाकर वापस यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर कोई न्यू चीज़ ऐड करनी है तो उसको यहाँ पर बिना कैपिटल के लिखे तो ही आपकी वो चीज़ है उसका आइकन दिखाई देगा और वो वहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे कि मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम की लिंक डालनी है तो मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम पहले से ही है तो मैं वो उसको डाल देता हूँ। उसके बाद फेसबुक और ट्विटर भी है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे ही डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर पिंटरेस्ट में यहाँ से मैं एडिट करके अगर मैं वाई कैपिटल में करूँगा तो यूट्यूब का जो आइकन है वो नहीं दिखेगा। तो आपको वाई जो है वो दूसरी ABCD में करना है ताकि वो वहाँ पर शो हो जाए। तो मैं यहाँ से यूट्यूब की लिंक कॉपी कर लेता हूँ और उसको वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स कॉपी करने के बाद वहाँ पर पेस्ट करेंगे तो आपको जो यूट्यूब का आइकन है वो भी दिखेगा और आपकी वेबसाइट भी वहाँ पर शो होगी। लेकिन आपको वहाँ पर कैपिटल लेटर नहीं डालना है वरना आपकी जो शो है होने वाली लिंक है वो नहीं होगी। उसके बाद आपको यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, आगे पीछे जिसको भी रखना है वो आप रख के सेव कर दीजिए तो आपकी जो सारी लिंक है वो यहाँ वहाँ पर शो हो जाएगी। ये हमारी सोशल मीडिया लिंक्स हो चुकी है फ्रेंड्स। तो अभी हम वेबसाइट में देखेंगे तो हमें अब सारे के सारे आइकन यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। आप देख सकते हैं ये अब सारे आइकन भी शो होने लग गए और उसमें हमारी लिंक्स भी ऐड हो चुकी है फ्रेंड्स। उसके बाद का जो आता है वो आता है यहाँ पर आपको साइड बार में क्या क्या करना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहला तो आपको फीचर्ड पोस्ट है उसको यहाँ से रिमूव कर देना है। आप इसको एडसेस के अप्रूवल के बाद में डालेंगे, अभी आप यहाँ से रिमूव कर दो। उसके बाद एड अ गैजेट पर क्लिक करके सबसे पहले ब्लॉग सर्च डाल दीजिए, ये डालना बहुत जरूरी है तभी आपको एडसेस का अप्रूवल मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको वो डालना है। उसके बाद सोशल प्लगइन आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं और आपको रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको बाद में एडसेंस के बाद में भी रख सकते हैं। उसके बाद आती है पॉपुलर पोस्ट, उसमें आपको यहाँ पर थोड़े चेंजेस कर देने हैं। तो आपको यहाँ पर लास्ट 7 डे है उसको सिलेक्ट करके 13 डे और उसके बाद यहाँ पर 4 कर देना है तो आपकी जो पॉपुलर पोस्ट है वो अच्छे से दिखेगी। उसके बाद आती है कैटेगरी, उसको आपको पॉपुलर पोस्ट के बाद में रखना है और उसके बाद आपको फॉलो बाय ईमेल, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर रख देनी है। कैटेगरी में आपको और लेबल कर देना है और यहाँ पर जो सिलेक्ट है वो सारे ऑप्शन आए एक बार देख लीजिए तभी आपकी जो कैटेगरी है वो शो होगी और तभी आप अपना मेन मेनू बना सकेंगे। उसके बाद आता है फॉलो बाय ईमेल, तो आपको उसको भी यहाँ से इनेबल कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर वो इनेबल हो जाएगा। आप एक बार अपनी ID देख लीजिए और उसका टाइटल भी आप देख लीजिए। ये हमारा साइड बार हो चुका है, आपको सिर्फ साइड बार में ये चारों चीज़ें रखनी है। उसके बाद आपको सेव अरेंजमेंट पर क्लिक करना है वरना आपका जो कैटेगरी है वो नीचे शो होगा। उसके बाद मैं अपनी वेबसाइट को रीलोड कर लेता हूँ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने सारी एडिटिंग की थी वो भी शो होने लग गई है। उसके बाद का जो आता है वो आता है आपको फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे जो फुटर आता है वो कैसे एडिट करना है वो भी आप एक बार देख लीजिए। तो आपको वापस चला जाना लेआउट में और यहाँ पर मेनू फुटर विद गेट है वहाँ पर आपको चले जाना है। यहाँ पर आपको 3 लिंक्स दिख रही है, आपको यहाँ पर 4 लिंक ऐड करनी है। तो आपको होम को वैसे ही रखना है और अबाउट है तो अबाउट उसको अबाउट अस पेज करके अपना अबाउट अस पेज का लिंक डाल देना है। आप चाहे तो फुटर में और भी दूसरे लिंक्स डाल दें लेकिन एडसेस अप्रूवल के लिए ये जरूरी चार चार लिंक्स आपको वहाँ पर रखनी ही रखनी है। तो मैं यहाँ से अबाउट अस पेज का URL कॉपी कर लेता हूँ और उसको यहाँ पर पेस्ट करके सेव कर देता हूँ। उसके बाद आता है प्राइवेसी पॉलिसी पेज, उसको आपको वहाँ पर रखना है। आपको एक सिर्फ डिस्क्लेमर पेज फुटर में नहीं रखना है, बाकी के तीनों पेज वहाँ पर रख देने हैं और एक होम पेज, टोटल 4 पेज आपको वहाँ पर रखने ही है तभी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने प्राइवेसी पॉलिसी को ऐड कर लिया है तो उसको मैं यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी। उसके बाद सिंपली मैं वहाँ पर सेव कर दूंगा तो यहाँ पर
हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है वो भी सेव हो जाएगा। उसके बाद मैं उसको नीचे ले जाता हूँ, तो उसको आपको अबाउट अस के नीचे रखना है और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर रखना है। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट अस पे, तो उसको भी मैं वहाँ से उसको व्यू करके उसकी लिंक ले लेता हूँ, तो उसकी भी लिंक मुझे मिल जाएगी। यहाँ पर उसकी भी मेरी लिंक मुझे मिल चुकी है, अब मैं उसको यहाँ पर डाल दूंगा। तो हमारे ये फुटर के जो 4 पेजेस थे वो भी यहाँ पर बन चुके हैं। आप चाहे तो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर आप सेव कर देंगे तो आपके 4ों पेज सेव हो जाएंगे। उसके बाद मैं जैसे पेज रीलोड करूँगा तो यहाँ पर मुझको 4ों के 4ों पेज देखने को मिल जाएगा। आपको ऐसे ही एडिटिंग करनी है ताकि आपको एक्सेस का अप्रूवल जल्दी से जल्दी मिले। उसके बाद आता है, जो आता है वो है मेन मेन्यू। मेन मेन्यू में सब कुछ आपको कैसे करना है वो आप देख लीजिए, क्योंकि ये मेन पार्ट है। अगर मेन मेन्यू आपका सही नहीं होगा तो आपको एडसेस का अप्रूवल कभी नहीं मिलेगा। उसके लिए चले जाना है मेन मेन्यू में, उसमें आपको लिंक लिस्ट मिल जाएगी, उस पर आपको एडिट करना है। जैसे ही आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे मल्टी मेन्यू मल्टी ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल जाएंगे, तो आपको वो नहीं रखना है तो उसको आप कैसे रिमूव करें वो भी देख लीजिए। आपको अपनी कैटेगरी से कोई भी एक कैटेगरी चूज करनी है और उस पर क्लिक करना है। जैसे कि मेरा ब्लॉगिंग है तो मैं ब्लॉगिंग चूज करता हूँ और उसका जो यूरल है उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। लेकिन यूरल कॉपी करने में यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क के आगे का जितना भी है उसको कॉपी करना है, उसका पीछे से जो भी है वो कॉपी नहीं करना है, वरना आपकी जो लिंक है वो ब्रोकन हो जाएगी और आपको एडसेस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। अगर आप फोन से भी लिंक कॉपी कर रहे हैं तो अब तो भी आप ध्यान रखिए कि आपको वो कॉपी नहीं करना है, आपको क्वेश्चन मार्क के आगे लिखा ही कॉपी कर देना है। यहाँ पर मैं एडिट करके यहाँ पर ब्लॉगिंग नेम डाल देता हूँ ताकि हमारा जो मेन्यू है उसमें हमारा जो ब्लॉगिंग है उसमें हमारी ये लिंक शो होने लग जाए। उसके बाद आपको सेव कर देना, तो आपका जो मेन्यू होगा आपकी कैटेगरी के थ्रू शो होने लग जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर दूसरी कैटेगरी से, तो मैं यहाँ से दूसरी मेरी कैटेगरी को भी चूज कर लेता हूँ। जैसे कि ब्लॉगर टेम्पलेट है तो मैं उसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। क्वेश्चन मार्क के आगे का जितना भी है उसको कॉपी करना है और उसको कॉपी करने के बाद वहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ वापस लिंक लिस्ट में, तो लिंक लिस्ट में यहाँ पर जो दूसरी है मैं वहाँ पर जाता हूँ, तो यहाँ से मैं उसको लिंक पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरी लिंक हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर ही मल्टी ड्रॉप डाउन, यहाँ पर जो लिखा है उसके आगे एक डैश है, वो अगर डैश रखते हैं तो हमारा जो पहले ब्लॉगिंग था उसके नीचे ये स्क्रॉल करेंगे तभी ये दिखेगा, लेकिन हम उसको हटा देते हैं और ब्लॉगिंग टेम्पलेट रख देते हैं तो ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग टेम्पलेट ऐसे 2 महीनों में 2 लिंक शो हो गए। आप मल्टी ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसे इसमें जो दिखा रहा है वैसे आपको वहाँ पर डैश रखना है, तो आपका जो मेन्यू है वो मल्टी ड्रॉप डाउन हो जाएगा। उसके बाद आता है टिप्स एंड ट्रिक्स, तो मैं उसकी लिंक यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद वापस चला जाता हूँ मेनू में और मेनू में यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स की लिंक एडिट करके डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ से लिंक पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इसको पूरा हटाकर अपना जो टाइटल देना चाहता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स, तो वो यहाँ से ऐड कर देता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स। फ्रेंड्स आपको ऐसे ही सारी की सारी लिंक्स डालनी है, वरना आपकी जो लिंक है वो ब्रोकन होगी तो आपको एडसेस का अप्रूवल नहीं मिलेगा, या फिर आपको अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर प्राइवेसी का एरर जो आता है वो एडसेस का एरर आएगा। आप इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से देखेंगे तभी ही आपकी थीम अच्छे से एडिट होगी, और आप थीम अच्छे से एडिट करोगे तो आपको एडसेस का अप्रूवल सिर्फ एक बार में ही मिल जाएगा, आपको कोई भी एरर नहीं आएगा अगर आपकी पोस्ट सही होगी तो। उसके बाद आपको जो भी लिंक डालनी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन आप लिंक डालते वक्त यूआरएल डालने में बहुत ध्यान रखें वरना आपको एडसेस का अप्रूवल कभी नहीं मिलेगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी एक्सेस अप्रूवल पाने में। उसके बाद मैंने अपनी सारी लिंक डाल दी है तो मैं यहाँ पे लास्ट ब्लॉगर सेटिंग है उसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो मेरी जो सारी लिंक है वो मैंने वहाँ पर डाल दी। फ्रेंड्स एडसेंस अप्रूवल से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आपको होता है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको यहाँ पर मेरे फोन मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मेरा कॉन्टेक्ट लेकर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा, और कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स एडसेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं। बाकी की चीज़ें फालतू की चीज़ें आपको यहाँ से हटा देनी है, तो मैंने जो भी चीज़ें रखनी थी वो मैंने रख दी है और बाकी मैं सब यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, जो भी आपको रखना है वो आप वहाँ से पर रख सकते हैं, और उसके बाद आप वहाँ पर ऐड करना है तो न्यू साइट नेम में आप कोई भी न्यू ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेव कर देना है तो आपका जो मेन मेनू है वो भी वहाँ पर हो जाएगा। अभी यहाँ पर पेज रिलोड करने से मुझे अपना मेन मेनू भी देखने को मिल गया है।
फ्रेंड्स यहाँ पर अभी सारी की सारी लिंक्स भी अच्छे से हो गई है और हमारा मेन मेन्यू है वो भी यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद मैं एक बार होम में जाता हूँ, आप देख सकते हैं मेरी साइट जो है वो बहुत अच्छे से कस्टमाइज हो चुकी है। आपको ऐसे ही अपनी साइट कस्टमाइज करनी है, वरना आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। ये सिंगल पोस्ट है, वो भी आप देख लीजिए कि उसमें साइड बार कैसा दिखता है, उसमें सब कुछ कैसा दिखता है, यहाँ पर ओल्डर और न्यूअर आपका दिखता है या नहीं दिखता है। फ्रेंड्स आप अगर अपना जो वेबसाइट है ऐसे कस्टमाइज नहीं करोगे तो आपको एडसेंस का अप्रूवल कभी नहीं मिलेगा। और एडसेंस के अप्रूवल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कभी भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। फ्रेंड्स आपको सिंपली ऐसे ही अपनी साइट कस्टमाइज करनी है, आपको 100% एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ, आपको मिलना है एडसेंस अप्रूवल, कोई भी आपको यहाँ पर नहीं रोकेगा। फ्रेंड्स बस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी बताऊंगा कि एडसेस के लिए अप्लाई कैसे करना है ताकि आपको एडसेस का अप्रूवल मिल जाए। कई लोग उसमें भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, HTTPS और www. डालने में, तो उनको एडसेस का अप्रूवल नहीं मिलता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय